नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में देख रहे थे कि ईथरनेट क्या होता है। ईथरनेट की फ्रेम फॉर्मेट्स हमने देखी थी। हमने ईथरनेट की दोनों तरीके की फ्रेम फॉर्मेट्स देखी थी, DIX वाली भी देखी थी और IEEE 802.3 वाली भी देखी थी। और दोनों में हमने अंतर पता करने की कोशिश करी थी। फिर हमने थोड़ा सा एम्फेसाइज किया था कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल वाली जो कंटेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने देखा था इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से। और बेसिकली इसका जो मेन इंटेंशन होता है वो सर्विस एक्सेस पॉइंट को असाइन करने में भी होता है। तो हमने इसका देखा था कि इसमें DSAP SAP कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन बिट्स क्या होती हैं, ये एड्रेस कैसे हैंडल करते हैं और कंट्रोल बिट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी थी। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जिसका नाम है वाईफाई। वाईफाई का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये जो है ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क था किसका? IEEE की जो कमिटी बनी थी उनने 802.3 वालों ने क्या किया था, एक और चीज़ पर काम किया था 802.11 पे। तो ये वायरलेस, इसका बेसिकली नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, वायरलेसली लैन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुछ लोग इसको मतलब वाईफाई फेडिलिटी भी बोलते हैं, वायरलेस फेडिलिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। बट ये जनरली ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, मतलब लेकिन बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया वाईफाई बहुत आज की डेट में आप देखिए घर घर वाईफाई है। लैन पहले लैन हुआ करता था, लैन की जगह वाईफाई राउटर आता है, लैन उसमें लगाइए, वाईफाई बन गया, आराम से काम चलता है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी बनी गई थी ये प्राइमरी इसको यही चीज़ ध्यान में लेके बनी गई थी कि प्राइमरी जो है ये काम करेगा किस तरीके से, हमारे लैन की तरह काम करेगा बट वायरलेस लैन की तरह काम करेगा। और IEEE 802.11 जो है इसका फैमिली स्टैंडर्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत मतलब किस तरीके से करेंगे, तो इस केस में WLAN हमने लिख दिया है और साथ में ये किस काम आता है, हम इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बना सकते हैं। ये क्या इसमें बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं वो हम इसमें क्या क्या कवर करते हैं, कवर्स फिज़िकल लेयर के कंपोनेंट और मैक लेयर के जो कंपोनेंट होते हैं, मैक लेयर LAY लेयर्स कंपोनेंट्स ऑफ WLAN। ठीक है, और जो है इसका जो LLC जो होता है इसका सेम रहेगा जो कि ईथरनेट लैन का होता था हमारा, मोर और लेस वैसा ही। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि IP डेटा रेट कौन कौन सी सपोर्ट करता है, इसके अलग अलग वर्जन्स कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके हम सबको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी जो डेटा रेट रहती है, डेटा रेट ये है 54 Mbps। कितना कवरेज एरिया जो देगा 100 फीट में, है ना। अब सिग्नल की स्ट्रेंथ सिग्नल की वीकनेस बहुत सारी चीज़ों पे के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ये क्या है बेसिकली ये डिफेक्टो बन गया, मतलब ये एक स्टैंडर्ड ही बन गया अपने आप में, डिफेक्टो इन कनेक्टिविटी के लिए किस तरह से घर में ऑफिस में और पब्लिक हॉटस्पॉट, बहुत ये तो आजकल बड़ी कॉमन चीज़ होगी पब्लिक हॉटस्पॉट। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। ठीक है, अब इसमें अब आपको बताता हूँ इसके अलग अलग वर्जन्स कौन कौन से हैं, उनका एक पहले हम वन लाइनर देखेंगे और उसके बाद फिर हम सीधे आ जाएंगे उनके बीच में अंतर जो होते हैं उनको पता करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं 802.11 WLAN क्या करेगा, प्रोवाइड्स 1 या 2 Mbps की स्पीड से, स्पीड का वेरिएशन होगा और जो ट्रांसमिशन जो टेक्नोलॉजी है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका भी डिफरेंस रहता है। ट्रांसमिशन 1 और 2 Mbps, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड,
देन ट्रांसमिशन, और जो इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो, इसकी जो बैंड होता है वो कितने का रहता है, 2.4 GHz बैंड। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, कौन सी यूज़ करेगा, FHSS या फिर DSSS, इन दोनों के फुल फॉर्म देखते हैं। पहले वाले का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हो गया इनके फुल फॉर्म। ये जो है इसमें जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसी के साथ जो दूसरा वर्जन होता है इसका, उसका नाम होता है, सेम नाम है, नाम में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अब मैं आप जैसे आपको बताता हूँ, इसका हो गया 802 तक तो सेम रहेगा, अब 0.11 भी सेम रहेगा, लेकिन साथ में आ गया ए। ये जो होता है इसकी स्पीड जो होती है, ये भी वायरलेस लैन है, इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 54 Mbps, ठीक है। हाँ, अच्छी खासी स्पीड देता है। और साथ में इसका जो बैंड होता है वो कितने का होता है, 5 GHz का बैंड होता है। और ये जो है किस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, OFDM पे काम करता है। OFDM का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इस पे ये काम करता है। इसी तरह से एक और होता है तीसरा, जिसका भी अब इस केस में भी 802 सेम है, 11 भी सेम है, लेकिन अब आ गया बी। ये इसको बोला जाता है हाई रेट वाईफाई, बोला जाता है इसको हाई रेट वाईफाई बोला जाता है। ये स्पीड देता है आपको 11 Mbps की, और इसका जो बैंड होता है वो सेम बैंड होता है इसकी तरह से, कितने का था सर, 2.4। इसका बैंड भी सेम ही रहेगा, 2.4 GHz का इसका बैंड होता है। और ये जो इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी सेम रहती है, DSSS रहती है। एक लास्ट और इसमें जो होता है इसका स्टैंडर्ड होता है उसका, उसको बोलते हैं 802.11 सेम, अब आ गया जी, ठीक है। और ये इस जो स्पीड देता है आपको 20 Mbps की स्पीड देता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी रहती है, सेम 2.4 GHz की ही रहती है। इसका जो बैंड है ये 2.4 GHz का बैंड रहता है। और अब हम एक काम करेंगे, इसके एक टेबल बनाएंगे, कंपैरिजन टेबल, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें आखिर फ़र्क क्या होते हैं। तो मैं एक तरफ तो लिख देता हूँ फ्यूचर्स फीचर्स, ठीक है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का नाम लिख देते हैं 802.11B, 802.11A और जी, मतलब दोनों के केस में सेम ही काम करेगा, ठीक है। तो इसकी जो है, जो सबसे पहली चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी बैंड देखते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड। इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो होता है 2.4 GHz का, और इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितना होता है, 2.4 GHz एंड 5 GHz का, ठीक है। इसकी चैनल की बैंडविड्थ देखते हैं, चैनल बैंडविड्थ जो होती है ये होती है 25 MHz की, और इस केस में ये होती है 20 MHz की, ठीक है। इसी तरह से एक और फीचर जो होता है इसका डुप्लेक्सिंग, तो ये वाईफाई की खास बात है। वाईफाई की का जो फीचर होता है वो ये होता है, वाईफाई हाफ डुप्लेक्स रहता है, हाफ डुप्लेक्स, और ये भी रहेगा हाफ डुप्लेक्स, है ना, ये इसका मेन खास बात है, ठीक है। इसमें
जो रेडियो टेक्नोलॉजी होती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, वो कौन सी होती है? DSSS और इसमें OFDM और बाकी जो टेक्नोलॉजी हमने ऊपर डिस्कस करी थी सेम। और जो एक्सेस प्रोटोकॉल होता है वो इसमें होता है दोनों में कॉमन। CSMA क्या होता था, लैन में क्या होता था? CD होता था, इसमें क्या होगा? CA। अभी हम इसके बारे में ही अगली चर्चा करेंगे। और इसमें होता है CSMA CA। ये दोस्तों इसमें इसकी मुख्य खास बात है और इसमें इस तरह से फीचर्स रहते हैं। तो दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया यहाँ, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे CSMA कैसे काम करता है और डेटा फ्रेम्स किस तरह की रहती है। यदि आपको वाईफाई से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स हों जो आप पूछना चाहें तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।